हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बापी किचन। तो ये एक रेसिपी बनाएंगे, ये हम साउथ इंडियन स्टाइल में बिना तेल, कम तेल में बनेगा। आप थोड़ा देखते रहिए, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। कम तेल में, 2-3 बूंद का तेल में ही बनेगा। तो अगर हमारा चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें ज़रूर। तो शुरू करते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से मैंने क्लीन करके धो गए, आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा क्या करेंगे ना, इसको मैंने धो के रखा हूँ, पूरा बारी बारी कट कीजिएगा। तो इसको हम बॉईल करने रखेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने सारा काट के मैं इसको बॉईल करने रख देता हूँ। अभी पानी थोड़ा सा दे के उससे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगा, ताकि बीन्स के अंदर अच्छी तरह से नमक होना चाहिए, ताकि जब फ्राई करेंगे ना तभी आप नहीं डाल सकते थे चलेगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसको उबालने के लिए रख देते हैं। ये बहुत कम टाइम में बनता है, ये घर पे अगर ट्राई करिए कभी उगर अच्छा रहता है, हेल्दी वगैरह, ये पूरा हेल्दी रहता है खाने में। ओके छोड़ देते हैं इसको 10 मिनट के लिए उबालने के लिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, हमारा जो बीन्स है ना अच्छी तरह से गल चुका है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको फिल्टर कर देते हैं, तो छान देते हैं, पानी से छान के रखते हैं। पूरा जीरा ऑयल से बनेगा आज बीन्स का सूखा सब्जी। देखिए मैंने कढ़ाई लिया हूँ बीन्स फ्राई करने के लिए। देखिए कितना तेल, बस इतना ही तेल काफ़ी है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, डालेंगे राई। राई अच्छी तरह से होने के बाद हम डालेंगे बीन्स। अभी देखिए उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, जो अपना तेल में जो ऐड किया है ना वो तेल में अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने के बाद ऊपर से थोड़ा सा नमक रहेगा और थोड़ी सी लाल मिर्ची। नहीं, मैंने टेस्ट किया, इसमें नमक सही है और नहीं डालेंगे नमक। ऊपर से खाली जो सूखा मिर्ची है ना फ्राई करेंगे डालेंगे, तो इसका जो कलर जो है ना कलर सेम रहेगा। अगर लाल मिर्ची डाल देंगे ना तो कलर थोड़ा रेड कलर हो जाएगा। तो रेड कलर का नहीं करेंगे तो ग्रीन कलर, पूरा सिंपल सा ग्रीन कलर रहेगा। ऊपर से सूखा मिर्ची तड़का देंगे। ओके देखते रहिए। आराम अच्छी तरह से ये सब ड्राई हो चुका है, इसको सिर्फ ऊपर से तड़का देंगे। पहले वाला राई का गया, अभी ऊपर से सूखा मिर्ची और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। देखिए ये देखिए इसका फाइनली तड़का है, ये कड़ी पत्ता और सूखा मिर्ची। देखिए घर पर ट्राई करें आपको, और अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में हमको बताएं कैसा हुआ बोल के। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।